नमस्ते एवं सलाम दोस्तों, क्या आप जानते हैं शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पाया जाता है? 30 वर्ष के बाद मानव शरीर में क्या होता है? इसी तरह की सवालों और जवाबों के साथ माँ बाप के बीच आए हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके खोपड़ी 29 विभिन्न तरह की हड्डियों से बनी हुई है। दोस्तों, मानव शरीर का जो खोपड़ी है वो 29 तरह की हड्डियों से बना हुआ है। एक मानव शरीर में 206 हड्डी होते हैं और एक नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होते हैं। और जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है तो छोटे छोटे डिवाइड का जो हड्डी होता है वो एक में मिलकर वो नौजवान बड़े लोगों में आदमियों में 206 हड्डियाँ हो जाया करता है। आपके शरीर में अर्थात मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डी आपके पैर में है। पूरे शरीर की 1/4 हिस्सा आपके पैर में है। मानव गतिविधियों के कारण लगभग 200% पक्षी 200 वर्षों में विलुप्त हो गए हैं। मानव शरीर 30 वर्ष की आयु के बाद सिकुड़ने लगता है। एक मानव अपने अलग अलग भावनाओं में जो चेहरे का जो रूप बनाता है उस चेहरे को रूप कम से कम 10,000 तरीकों से बना सकता है। धमनियां, नसों और कोशिकाओं की संचार प्रणाली लगभग हमारे शरीर में 60,000 मील लंबी है। हमारा दिल जो धड़कता है तो उसमें खून पंप करती है। उस खून पंप जो करती है तो औसतन बड़े चम्मच रक्त जो होता है वो बड़े चम्मच रक्त से 5 चम्मच खून हमारा दिल पंप करती है।